कोरोना काल में लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ बदला है। नौकरी और पढ़ाई के तरीकों से लेकर घर का सेटअप और साइज तक काफी कुछ पहले से अलग हो गया है। इन्हीं बदलती आदतों में शॉपिंग का तरीका भी शुमार है। लोगों की खरीदारी की आदतों में हुए बदलाव पर एसेंचर ने दुनिया के 22 देशों के 25,000 लोगों पर सर्वे किया। इनमें से 2,000 भारतीय भी हैं। एसेंचर के मुताबिक महामारी के बाद 71% भारतीयों ने खरीदारी के तरीके बदल दिए हैं। अब ग्राहक खरीदारी करने से पहले देखते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या जरूरी है। कोरोना के दौरान 22% ग्राहकों ने कीमत देखकर खरीदारी करना शुरू कर दिया। वहीं 7% लोगों के लिए शॉपिंग में कीमत कोई रोल नहीं रखती। जानकारों का मानना है कि कोरोना ने लोगों के अंदर क्वालिटी को लेकर जागरूकता पैदा की है। ये सबके पीछे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का बड़ा मेजर रोल रहा, और इनका आना एक तरह से एक जो रिटेल मार्केट है, रिटेल में जो दुकानदार है, उनके लिए बहुत बड़ा एक सदमा लेकर आ सकता है। हाँ, अगर दुकानदार अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलें और आज के टाइम से अपने आप को चलाना शुरू करें, तो शायद आने वाले टाइम में वो भी धीरे धीरे अपने व्यापार को पिक करके उस प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर रिटेल मार्केट की एक अच्छी आउटपुट देखी जा सकती है। एक मेजर शिफ्ट जो हमने ऑब्जर्व किया है लोगों की डेली फूड हैबिट्स में या फूड की खरीदारी में, कि लोग अब जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू पर फोकस कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्ट उनकी हेल्थ और वेलनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि लोगों को एक फंडामेंटली क्लियरली समझ आ गया है या एक क्लियर शिफ्ट हो गया है, यदि वो हेल्दी हैं, यदि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो कोरोना जैसे चैलेंजेस यदि आने वाले समय में आते हैं उन्हें ज्यादा अच्छी तरह हैंडल कर सकेंगे। इसके साथ ही एक बदलाव दुकानदारों को लेकर भी लोगों के दिमाग में आया है। ऑनलाइन दुनिया के आदि हो चुके लोगों को अब जल्दी सामान चाहिए। एसेंचर के मुताबिक भारत में 59% ग्राहक तेज डिलीवरी चाहते हैं, और वो क्लिक एंड कलेक्ट और कर्ब साइड पिकअप जैसे सामानों की तेज डिलीवरी नहीं करने वाले रिटेलर्स को बदल देंगे। 81% भारतीय ऐसे ब्रांड की ओर आकर्षित होते हैं जो नैतिक तरीके से सामान और सेवाएं मुहैया कराते हैं। साफ है कि जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को अनुभव हुए हैं, उसके बाद वो किसी भी लापरवाही का जोखिम लेने को तैयार नहीं है।